स्वतंत्रता दिवस की वर्ष कुंडली, पीएम मोदी पर कितनी बड़ी आफत, कितने ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे, क्या हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुए भारत को 77 साल पूरे हो चुके हैं और हाल फिलहाल में हमने 78वीं सालगिरह आजादी की हमने बनाई है। और इसी खास मौके पर आप सबने देखा होगा कि लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित भी किया और एक नए भारत की एक नई तस्वीर दिखाने की भी कोशिश की। लेकिन क्या इसी तस्वीर में मोदी सरकार क्या खतरे में है या कोई बड़ी आफत सरकार पर आ सकती है 78वें आजादी के इसी साल में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और भारत वर्ष की सालगिरह की कुंडली, वर्ष कुंडली क्या कहती है, ये जानने की कोशिश करेंगे राजपुरोहित मधुर जी से। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। सादर नमस्कार। आज आपसे जानना है कि भारत की जन्म कुंडली क्या कहती है। वस्तुतः किसी भी जातक की कुंडली में या फिर राष्ट्र की कुंडली में सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सूर्य के राशि परिवर्तन के अनुसार, सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन यापन में एवं प्रकृति में उतार चढ़ाव देखा जाता है। ऐसे ही देखा जा रहा है कि 2024 की जो वर्ष कुंडली है, इस वर्ष कुंडली के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो रात्रि कालीन का समय जो था, उस समय जो वार्षिक कुंडली यानी कि उस समय जो भारत देश की कुंडली का निर्माण हुआ था, उस समय सूर्य की परिस्थिति को देखते हुए और तभी से लेकर के आज तक यानी 78वीं वर्षगांठ आज मनाई गई, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि राष्ट्र की जो कुंडली, जो देश की कुंडली बनती है, उसमें सूर्य का प्रभुत्व होना कितना आवश्यक है। सूर्य कहाँ स्थापित होकर के और पूरे वर्ष भर इस पूरे विश्व में, राष्ट्र में, प्राकृतिक या फिर वैसे जनमानस में कैसी किस प्रकार की भ्रांतियाँ, आपदाएँ या बहुत अच्छा संयोग क्या क्या बना रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य का जहाँ तक देखा जाए तो सूर्य कर्क राशि में अभी मौके पर स्थित हैं। कर्क राशि में 27 अंश और 59 कला पर यानी डिग्री और सेल्सियस के अनुसार यदि देखा जाए तो 27 अंश और 59 कला पर सूर्य अभी कर्क राशि में स्थित हैं। सूर्य का कर्क में होना, कर्क का सूर्य में, सूर्य का कर्क में होना, ये आप समझिए कि जैसे कि प्रत्येक वर्ष जब 15 अगस्त आने वाला होता है तो उस समय जो है सूर्य कर्क राशि में ही गतिमान होते हैं। सूर्य जो है, जब आज का जो अभी समय है 15 अगस्त का, 15 अगस्त के पहले ठीक 14 अगस्त को, 14 अगस्त की सायंकालीन बेला में ही सूर्य जो है वो कर्क राशि में आ चुके हैं। तो ऐसा हर बार होता है, ऐसा प्रत्येक वर्ष होता है। तो प्रत्येक वर्ष जब ऐसा होता है तो उसी समय वर्ष की कुंडली का निर्माण किया जाता है। यानी 15 अगस्त को भारत को जो विजय प्राप्त हुई थी, उस अखंड विजय के अंतर्गत यदि ऐसी देश में कोई समस्या जो उत्पन्न हो रही है तो उस वर्ष की कुंडली के अनुसार ही उस चीज़ को निर्धारित किया जाता है, यानी उसके बारे में बताया जाता है। तो ऐसे में इस समय बनने वाली जो कुंडली है अभी, वो मकर लग्न की बनी हुई है और मकर लग्न की कुंडली में सूर्य जो है अभी चंद्रमा, चंद्र राशि में स्थित हैं, चंद्रमा में प्रवेश किए हुए हैं। तो ऐसे में सूर्य जन्मकालीन जो उस समय यानी 1947 का जो समय था, वो जन्मकालीन यानी उस कुंडली का जहाँ पर निर्माण किया गया था, उस समय से लेकर के अभी सूर्य अपने जन्मकालीन स्थिति में हैं। अब ऐसे में थोड़ा सा परिस्थितियाँ क्या होती हैं कि सूर्य के चंद्रमा में जाने की वजह से थोड़ा सा स्थिति उथल पुथल होती है, क्योंकि सूर्य एक अग्नि कारक है और वहीं चंद्रमा एक जल तत्व कारक है। यानी कि पानी और आग जब एक साथ हो जाते हैं तो परिस्थितियां कभी बहुत विपरीत भी बन जाती हैं और कभी कभी परिस्थितियां शांत भी हो जाती हैं। तो ऐसे में जो पीड़ित अवस्था में चंद्रमा, यानी कि सूर्य के प्रवेश करने पर चंद्रमा अत्यधिक और पीड़ित अवस्था में होता जा रहा है, तो पीड़ित अवस्था में चंद्रमा का प्रभुत्व जब आएगा तो ऐसे में तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ, तमाम प्रकार के प्रकृति के साथ खिलवाड़, यहाँ पर गौ, गंगा, गायत्री, स्त्री आदि इन प्रकार की जो जो देवियाँ हैं जो संसार को चला रही हैं, इन सब पर तमाम प्रकार की छोटी मोटी आपदाएँ या भयावह स्थिति बनने के ऐसे संकेत भी बनते हैं। जी चलिए, इसी कड़ी में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि भारतवर्ष की इसी जन्म कुंडली को देखते हुए
अब जो कि देखिए 77 साल पूरे हो चुके हैं, 78वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, 69 में हम अगला अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो ये एक साल का जो समय है हमारा जी, 78वां वाला स्वतंत्रता दिवस जो हम पूरे एक साल है ये जी, जी। ये एक साल देश के भविष्य को, देश की तस्वीर को किस तरह से बदल सकता है, जानना चाहूंगी क्या कोई बड़ी मतलब कोई बड़ा खतरा आपको लगता है कि भारत पर आता हुआ, कोई बड़ी आफत, कोई प्राकृतिक आपदा का कोई प्रकोप इस दौरान? वस्तुतः सूर्य चंद्रमा में प्रवेश किए हुए हैं और चंद्रमा पहले से नीच राशि वृश्चिक में उपस्थित हैं, तो नीच राशि वृश्चिक में उपस्थित होने के कारण से चंद्रमा का प्रभुत्व पहले ही कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत उज्ज्वल नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में शनि और मंगल दोनों की दृष्टि भी पड़ रही है, तो शनि और मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण से पाराशरी योग का निर्माण हो रहा है। पाराशरी योग का निर्माण होने से चंद्रमा और अत्यधिक ज्यादा उसका बल छीण हो रहा है, तो ऐसी विषम परिस्थिति में बताया जाता है कि मकर लग्न की जो वार्षिक कुंडली बनी हुई है वो कुछ लाभ देगी, वो देश को बहुत सारे लाभ की स्थिति में, जैसे कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी, जैसे खेल जगत में भारत का बहुत बड़ा नाम होगा, राष्ट्र का बहुत बड़ा नाम होगा, ऐसे में विदेश व्यापार भारत से और अन्य विदेशों से जो जुड़े हुए अन्य देश हैं उनसे बहुत ही संयमशील परिस्थितियां बनेंगी, अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति है भारत की वो ख्याति कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भारत को प्राप्त होगी, आदि तमाम प्रकार की सफलताएं भी देखने को मिलेंगी। यानी कहा जा सकता है कि भारत को बहुआयामी जो चीज़ें हैं, जैसे कि गगनयान कह सकते हैं या फिर अंतरिक्ष का मिशन बोल सकते हैं, इस प्रकार की तमाम चीज़ें लॉन्च हो सकती हैं, परिस्थितियां अनुकूल दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन चंद्रमा नीच राशि अर्थात वृश्चिक में उपस्थिति होने के कारण से तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो कि समाज के लिए, जो कि राष्ट्र के लिए हानिकारक होंगी। सबसे पहली बात तो ये आपको बता दें कि महिलाओं के साथ अपराध प्रारंभ होगा, प्रकृति का दोहन होगा, आदि ऐसे जघन्य और कुकृत्य ऐसे होंगे जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गाय अर्थात गऊ, गंगा, गायत्री और स्त्री, ये चार जब पीड़ित और प्रताड़ित अवस्था में होती हैं तो समाज का और राष्ट्र का दोनों का पतन होता है। तो ऐसे में चंद्रमा की नीच राशि में, इस वर्ष कुंडली में, मकर लग्न की वर्ष कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में अर्थात वृश्चिक राशि में उपस्थित होने के कारण से ऐसे तमाम प्रकार के जो विषम संयोग बन रहे हैं वो राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होंगे। लेकिन अब ऐसे में सरकार द्वारा जो कहा जाता है कि कानून व्यवस्था, कई सारे ऐसे नए कानून आ सकते हैं जो राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की तरफ, ऐसे सफलतम राष्ट्र की तरफ, जहां पर स्त्रियों का, महिलाओं का सम्मान, जहां पर वो खुलकर जी सकें, जहां पर एक स्वतंत्र ऐसा बालक पैदा हो जो राष्ट्र के लिए हितकर हो, जो स्वामी विवेकानंद हो, जो राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं भर्तृहरि जैसा हो, जो नरसी जैसा हो, तो ऐसे बालकों के उत्थान के लिए, जन्म के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, गायत्री की सुरक्षा के लिए, गंगा की सुरक्षा के लिए कई सारे ऐसे नए कानून भी आएंगे। अभी तमाम जाहिलों से ये पूरी धरती बहुत ज़्यादा ग्रसित है और ऐसी ग्रसित अवस्था को देखते हुए इस संसार में, इस भारत देश में तमाम प्रकार के ऐसे अराजक तत्व हैं जो राष्ट्र को बार बार क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे में तमाम प्रकार के कानून जो वक्फ बोर्ड से संबंधित होंगे या फिर ऐसे कुछ नए कानून आ सकते हैं जो कि हिंदू राष्ट्र के लिए एक नई पहल, नई मुहिम, और उधर हम कहीं ना कहीं एक बढ़ते हुए कदम की तरफ एक साकार स्वप्न को साकार होता हुआ देखेंगे। तो ऐसे में लेकिन सरकार के साथ ये वर्ष जो है बहुत ही कठिन काल में गुजरेगा, सरकार के निर्णयों को लेकर के, सरकार की तमाम प्रकार की योजनाओं को लेकर के कई सारी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो तमाम प्रकार की विषमता की तरफ साबित होंगी। वस्तुतः कहते हैं कि धैर्य जो होता है, धैर्य रख करके सरकार को आगे बढ़ना होगा, चलना होगा। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो ऐसी विकट परिस्थिति का सामना करते हुए सरकार पूरे वर्ष भर संयमशील रहेगी और सूर्य कहीं ना कहीं उसका साथ देगा। जी, तो ये हमने राजप्रीत मधुर जी से जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से भारत वर्ष की जो जन्म कुंडली है वो आने वाले भारत के इसी समय को लेकर क्या कुछ संकेत देने की कोशिश करती है। चलिए, इसी के साथ मुझे और राजप्रीत मधुर जी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।